एक घने जंगल में गौरी कौवी और कालू कौवा का घोंसला था। वे दोनों सारा दिन घूमते फिरते तरह तरह के फल खाते और थक हार के अपने घोंसले में वापस आ जाते। फिर एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से कहता है, चलो आज सेब की बाग की तरफ चलते हैं। लेकिन गौरी कौवी की तबीयत शायद ठीक नहीं थी, जाने से मना कर देती है। नहीं नहीं कालू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अकेले ही चले जाओ और जो कुछ खाना मेरे लिए घोंसले में ही ले आना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम भी साथ चलती तो ज्यादा अच्छा था। मैंने कहा ना, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाते हो या नहीं? नहीं नहीं बेगम, तुम लड़ क्यों रही हो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर कालू कौवा अकेला ही चला जाता है और वो सीधा सेब की बाग की ओर चला जाता है और सारा दिन घूमने के बाद शाम होते ही अपने घोंसले की तरफ वापस आ जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं अमरूद के बाग की तरफ चला गया था, सेब बहुत ही मजेदार थे, मैंने पेट भर खाई और तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। कालू, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी, खबर है तुम्हारे लिए। तभी कालू कौवा कहता है, क्या खबर है? मैंने दो अंडे दिए हैं। तो तुम उदास क्यों हो इतनी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे आएंगे, तुम उनकी मम्मी और मैं उनका पापा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, सारा सारा दिन घोंसले में बैठा रहना पड़ेगा। अब तुम अंडों पर बैठोगे। मैं और अंडों पर? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा काम तुम्हारे लिए खाना लाना है और तुम्हारा काम इन अंडों की हिफाजत करना। तुम चुप करते हो कि नहीं? ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं रह सकती सारा दिन घोंसले में। अगर तुम भी नहीं बैठ सकते अंडों पर, तो मैंने सारा दिन सोच सोच कर एक उपाय निकाला है। क्या उपाय निकाला है? तुम इन अंडों को घोंसले से गिराना तो नहीं चाहती? नहीं, अब मैं इतनी भी कठोर दिल नहीं हूँ, बच्चे मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मसला अंडों पर बैठने का है। फिर क्या उपाय सोचा है? वो ये कि तुम सारा दिन जंगल में घूमते रहते हो, कहीं से किसी पक्षी के अंडे ढूंढो। क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ मुझे। वो ये है कि हम किसी पक्षी के अंडे घोंसले से उठा सकेंगे और अपने अंडे वहाँ रख देंगे। जब अंडे से बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चे ले आएंगे, मुझे बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे अंडों पर बैठना भी नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे ज्यादा काव काव मत सुनाओ, जो कहा है वो करो वरना मैं अभी चली जाऊंगी अपने मम्मी पापा के घर, तुम्हें और तुम्हारे इन अंडे को छोड़कर। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। अगले दिन कालू कौवा जंगल में अंडे की खोज में निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद उसे एक पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है जिसमें दो अंडे पड़े थे और उसे देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है और वो जल्दी से वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। तभी गौरी कौवी कालू कौवे से पूछती है, क्या हुआ, कोई घोंसला मिला या नहीं? हाँ, पास में ही एक पेड़ के ऊपर घोंसला है जिसमें दो अंडे पड़े हैं और वो भी हमारे अंडों की तरह ही सफेद है,
टुनटुनी चिड़िया का घोंसला है वो। तुम जल्दी करो, टुनटुनी चिड़िया को अभी अभी मैंने आम के पेड़ की तरफ जाते देखी है। ये सुनकर गौरी कौवी अपने पति के साथ उन अंडों को लेकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं और वो जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के अंडों को उठाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं और उसके घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले पार्ट में जानेंगे। अगली पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।